हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ, और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगी। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने अपना धर्म किया है, धर्म की संस्थापना करना, अधर्मियों का नाश करना, ये प्रभु का धर्म है। तुम्हारी माता और भगवान विष्णु दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जब तुम्हारी माता को अपनी भूल का पता चला तो उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान विष्णु ने उसका वध नहीं किया। आज देवताओं के मुखमंडल पर चिंता की घटाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? कैलाशपति, अकस्मात असुरों को ऐसी शक्ति प्रदान हो गई है कि उनके आक्रमणों को रोकना देवताओं के वश में नहीं है। किसने प्रदान की उन्हें यह शक्ति? महर्षि भृगु के पुत्र ने। क्या भार्गव असुरों का साथ दे रहे हैं? उन्होंने असुरों का गुरुपद भी स्वीकार कर लिया है महादेव। देवताओं के शत्रुओं का गुरुपद स्वीकार कर लिया, इतना अविवेक? हे त्रिनेत्रधारी, शुक्राचार्य ने असुरों को सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आदेश भी दे दिए हैं और इसे मुक्ति भी देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने ही पुत्र का वध करेंगे? मेरा पुत्र? हाँ महादेव, सभी प्राणियों में एक माँ ही ऐसी है जो संतान को अपने पेट में धारण करने की क्षमता रखती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना उमा? हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साक्षात पर ब्रह्म वहां पहुंचे। अपनी तपस्या से जागो शुक्राचार्य, जागो। वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे परब्रह्म, भार्गव शुक्राचार्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। हे परब्रह्म, आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वत्स, तुम अपने तपोबल का प्रयोग सृष्टि की रचना के लिए करो। प्रभु, मेरे लिए सृष्टि की व्याख्या अपनी माता तक ही सीमित है। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। उनकी सेवा में ही आपकी सेवा और आपकी भक्ति का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, एक पुत्र के लिए उसकी माता ही परब्रह्म होती है। तुम धन्य हो वत्स, तुम धन्य हो। माताश्री, आप कहाँ हैं? माताश्री, 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 भार्गव अपनी माता से मिलने के लिए उत्सुक थे। माताश्री, माताश्री, प्रणाम। माताश्री, कल्याण मस्त। उठो पुत्र, उठो।
तुम्हारे मुखमंडल का तेज बता रहा है कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आप मेरी माता भी हैं और मेरी गुरु भी। आप ही मेरा परब्रह्म हैं। माताश्री, आश्रम में ये असुर? ये मेरे शरणागत हैं। मैंने इन्हें आश्रय दिया है, अभय दिया है। आपका वचन मेरे लिए वेद वचन है माताश्री। यदि आपने इन्हें अभय दिया है तो आपका पुत्र शुक्राचार्य भी इन्हें अभय देता है। ये क्या किया आपने भार्गव, क्या किया? सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभय दे रहे हैं? आपने भी वही भूल की जो आपकी माता ने की है। देवेंद्र, मेरी माता श्री के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने? अपनी असफलता को छिपाने के लिए मेरी माता श्री पर आरोप लगाते समय तुम्हारी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड मिलेगा देवेंद्र, अवश्य मिलेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य अपने संचित तप बल से तुम्हें। रुक जाओ पुत्र, देवेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया पुत्र। देवलोक के स्वामी होते हुए देवताओं की रक्षा करना इनका धर्म है। ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शरणागतों को आश्रय देना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, फिर देवेंद्र को श्राप क्यों पुत्र? जाओ देवेंद्र जाओ, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए माता श्री का धन्यवाद करो। जाओ। प्रणाम देवी। पुत्र, तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भय लगता है। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ, और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। पुत्र, मैं अपने स्वामी महर्षि भृगु के चरणों की पूजा करती हूँ। जब तुम उनके चरणों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई, मेरी ही सेवा हुई। जाओ पुत्र, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश रखने की आवश्यकता है, और उसके लिए तुम्हें अपने पूज्य पिता की सेवा करनी होगी, क्योंकि क्रोध महर्षि भृगु का दास है। जो आज्ञा माताश्री। के पास पहुंच गया। ऋषि पुत्र, ऋषि पुत्र, ओ, 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 ओ,
क्या हुआ ऋषिवर? अनर्थ हो गया ऋषि पुत्र, अनर्थ हो गया। क्या हुआ ऋषिवर? सुदर्शन आश्रम विष्णु। आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? साक्षात विष्णु ऐसा अधर्म करेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु से अधर्म? हाँ भार्गव, अपने सुदर्शन चक्र से गुरु माता का वध कर दिया उसने। गुरु माता? गुरु माता अर्थात मेरी माता? हाँ भार्गव, मेरी माता का वध कर दिया। आंखें खोलिए पिताश्री, आंखें खोलिए। महाअनर्थ हो गया है, मेरी माता नहीं रही। जागिए पिताश्री, जागिए। क्या हुआ वत्स? मेरी माता जीवित नहीं रही, वो हमें सदा के लिए छोड़कर चली गई। वो हमें छोड़कर चली गई पिताश्री। जन्म मरण संसार का नियम है वत्स। ये नियम भंग हुआ है। मेरी माता ने प्राण त्यागे नहीं थे, उनके प्राण लिए गए हैं, उनका वध किया गया है। किसने किया उनका वध? भगवान विष्णु ने। विष्णु ने? पिताश्री आप विष्णु को दंड दीजिए। आप तो महातपस्वी हैं, आप विष्णु को भी दंड दे सकते हैं। जिसने संपूर्ण चराचर जगत व्यापा है उसे मैं दंड दूं? जो सारे प्राणी मात्र का जीवन है उसे मैं दंड दूं? पिताश्री आपके इसी भगवान ने मेरी माता का वध किया है। नहीं पुत्र नहीं, तुम बहक गए हो, भावना के अधीन तुम वास्तव भूल गए हो। मेरी माता का वध हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है और विष्णु ने उनका वध किया है, यही वास्तव है। नहीं पुत्र, ये वास्तव नहीं है। हाँ पुत्र, तुम अनावश्यक के जीवन मरण को महत्व दे रहे हो। भगवान विष्णु जीवन मरण से परे हैं, जीवन मृत्यु उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, और तुम भी जीवन मृत्यु को महत्व देना छोड़ दो, क्योंकि जहां आरंभ है वहां अंत है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है, और जहां मृत्यु है वहीं से नया जीवन शुरू होता है। तुम्हारी माता तो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गई है, अब वो जीवन मृत्यु के चक्र से परे है। पुत्र, भगवान विष्णु ने अपना धर्म किया है, धर्म की संस्थापना करना, अधर्मियों का नाश करना, ये प्रभु का धर्म है। तुम्हारी माता और भगवान विष्णु दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जब तुम्हारी माता को अपनी भूल का पता चला तो उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान विष्णु ने उसका वध नहीं किया। पिताश्री आप विष्णु का साथ दे रहे हैं। एक तपस्वी किसी का साथ नहीं देता पुत्र, वो केवल धर्म और धर्मज्ञों का साथ देता है। आप उन्हें दंड नहीं देना चाहते हैं तो ना सही, परंतु मैं विष्णु को उसकी इस दंडता के लिए अवश्य दंड दूंगा। आप भक्त के धर्म का पालन कीजिए, मैं पुत्र धर्म का पालन करूंगा। प्रणाम। प्रभु, क्रोध ने मेरे पुत्र की बुद्धि को अज्ञानता के बादलों से ढक दिया है। इतना समझाने पर भी वो आप ही को दोषी मान रहा है। शुक्र की मनोदशा देखते हुए उसके कटु वचनों पर ध्यान न दीजिए प्रभु, उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आप व्याकुल मत होइए महर्षि, इस समय शुक्र को शुष्क ज्ञान की नहीं, कोमल मीठी और स्नेह से भरी सांत्वना की आवश्यकता है।
मैं देवी गंगा से कहता हूं वो आपके पुत्र पर मां की ममता बरसाएंगी तो शुक्र का क्रोध शांत हो जाएगा। प्रभु क्या आज्ञा है? देवी आप जानती हैं आपको क्या करना है। जो आज्ञा प्रभु। आज मैंने अपनी मां की चिता को लगाई है यही आग मैंने अपने हृदय में भी लगाई है। मेरी मां की चिता की आग तो बुझ जाएगी परंतु मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की आग है वो युगों युगों तक यूं ही जलती रहेगी युगों युगों तक यूं ही जलती रहेगी। विष्णु हत्यारे अपने आप को सबसे बड़ा भगवान बोलता है और पाप करता है महापापियों से भी बड़ा। निर्लज्ज एक निर्पराध स्त्री की हत्या करते समय लाज नहीं आई तुझे? एक ऋषि पत्नी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते समय हाथ नहीं कांपे तेरे? क्या अपराध था मेरी मां का? यही कि वो देवताओं और असुरों से बराबर का व्यवहार रखती थी। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था। जितना वात्सल्य वो देवताओं पर लुटाती थी उतना ही असुरों पर। बस ये कुटिल देवताओं से सहन नहीं हुआ और तूने उनकी प्रशंसा पाने के लिए मेरी ममता मई मां का वध कर दिया। अधर्मी अपने आप को धर्म रक्षक कहता है, तू तो धर्म भक्षक है। धर्म भक्षक अपराधी है तू। द्वेष है तेरे मन में, पापी है तू। तुमने भयंकर पाप किया है और तुम्हें इस पाप का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हे ब्रह्मा, हे शिव शंकर, क्या कोई सत्य का साथ नहीं देगा? क्या कोई इस कपटी विष्णु को दंड नहीं देगा? समझ गया मैं, सब तेरे अधीन है। कोई तेरे विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता। अरे सारा ब्रह्मांड ही चुप्पी क्यों ना साध ले, परंतु ये शुक्राचार्य चुप नहीं बैठेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इस क्षण ये श्राप देता हूं। ठहरो वत्स, ये तुम क्या कर रहे हो वत्स? गंगा? हाँ मैं गंगा, तुम्हारी गंगा मैया। नहीं, तुम मेरी मैया नहीं हो। नहीं हो तुम मेरी मैया। मेरी मैया तो ये थी
जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसकी गोद में मैं पला, जो मेरी एक मुस्कान पर अपनी हंसी लुटा देती थी। हाँ, मेरा छोटा सा दुख जिसके मन की वेदना बनकर आंखों से अश्रुधारा के रूप में बहने लगता था, मेरी ऐसी परम प्रिय माता का हत्यारे विष्णु ने वध कर दिया, उस पापी ने। नहीं वत्स, जो दूसरों के पाप नाश करते हैं उन्हें पापी कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। पापी नहीं तो क्या उसे पुण्य आत्मा कहूं? प्रभु तो पाप पुण्य से भी परे हैं, और भार्गव तुम तपस्वी हो, तपस्वियों के मुख से विष नहीं अमृत बहना चाहिए। जब मुझे अमृत पिलाने वाली मेरी माता ही नहीं रही तो मेरी जीवा से अमृत कैसे बहेगा? अब तो केवल विष बहेगा। हाँ गंगा, मेरी जीवा सर्प बनकर विष्णु और समस्त देवताओं पर डंक मारेगी। एक पुत्र के लिए अपनी माता का महत्व क्या है मैं भली भांति जानती हूँ वत्स, और मैं तुम्हारे दुख में सहभागी हूँ। सहभागी? सब कहने की बातें हैं, पीड़ा में कोई सहभागी नहीं होता, कोई किसी का दुख नहीं बांट सकता। गंगा, मेरी माता की मृत्यु का दुख तभी कम होगा जब मैं विष्णु का विष्णु लोक सहित विध्वंस कर दूंगा। विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। किसे श्राप दे रहे हो वत्स, जो स्वयं जन्मदाता है और स्वयं मृत्युदाता, जिसके लिए जन्म मरण कोई महत्व नहीं रखता, समस्त सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसी को श्राप दोगे, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं उसे श्राप दोगे, जो ताप काल और श्राप से परे है, जिसके कारण श्राप सत्य होते हैं उसे श्राप दोगे? वत्स, भावना सागर से बाहर निकलो और सत्य को पहचानो। तुम्हारी माता का वध नहीं हुआ, उसे प्रभु के परम धाम की प्राप्ति हुई है। भगवान ने तुम्हारी तपस्वी माँ को जन्म जन्मांतर की चक्र से मुक्त कर दिया है। शब्दों का खेल खेल कर मुझे भ्रमित करने का प्रयत्न मत करो गंगा। यदि विष्णु इसे मुक्ति कहता है तो मैं भी विष्णु को ऐसी ही मुक्ति देना चाहूंगा। अपना हाथ छोड़ दो वत्स, और प्रभु की लीला को पहचानो। पहचानता हूँ मैं उस विष्णु की लीला को, और उसकी लीला को मैं ही समाप्त करूंगा। मैं। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। नहीं चाहिए मुझे सद्बुद्धि, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा उपदेश। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। हाँ। पुत्र माता से रूठ सकता है, माँ पुत्र से नहीं रूठती। मुझे तुम्हारे कल्याण की सदा चिंता रहेगी वत्स। अतः एवं मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। विष्णु, तुम मेरे क्रोध को देवी गंगा के शीतल स्वभाव से शांत करना चाहते हो, परंतु तुम्हें दंड दिए बिना मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इसी क्षण शाप देता हूं कि तुम विष्णु पद से पदच्युत हो जाओ। हे भृगुपुत्र, तुम्हारे शाप की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं विष्णु लोक छोड़कर आ गया हूं। यद्यपि मैं शाप ताप काल से बहुत दूर हूं, ये शाप मेरे ही कारण सत्य होते हैं, क्योंकि मैं तपस्वियों के वचन को मिथ्या नहीं होने देता।
यहां खाली हाथ आकर मैंने तुम्हारे तपोबल का आदर किया है पुत्र। तुम्हारी तपस्विनी मां को मैंने जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त कर दिया, अब वो मेरे परम धाम को प्राप्त हुई है। यदि तुम हत्या को मुक्ति का सुनहरा रूप देना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें मुक्ति दूंगा। मैं अपने संपूर्ण यज्ञों और तपोबल से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। प्रयत्न भी मत करना भार्गव, मुझे भस्म करने के संकल्प से पूर्व एक बार फिर विचार कर लो। हे वत्स, प्रारब्ध पुण्य के संचय से बनता है, उसे क्रोध की अग्नि में जलाकर नष्ट मत करो। हे मनस्वी भार्गव, अज्ञान के ऐसे अंधे कुएं में न जा गिरो जहां से उठना और निकलना असंभव हो जाए। असंभव को संभव कर दिखाऊंगा मैं इस संसार से तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अहंकार की निद्रा से जागो भार्गव, तभी तुम्हें धर्म की पुकार सुनाई देगी। विष्णु, इस समय मुझे केवल एक ही पुकार सुनाई दे रही है, पुत्र धर्म की पुकार। वो पुकार है तुमसे प्रतिशोध की पुकार। हे पुत्र, इस समय तुम्हें यज्ञ बल और तपोबल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ऐसे गुरु की जो तुम्हें ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारा अज्ञान मिटा दे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण हो कहकर मेरे घाव पर नमक छिड़कता है हत्यारे। ये भार्गव शुक्राचार्य आज से, बल्कि इसी समय से तुम्हारा परम शत्रु है। हाँ, मैं इस संसार से वैष्णवी प्रभाव को बदल कर नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे देवलोक को समाप्त कर दूंगा। ओम भीम भीम चामुंडा विजय, ओम भीम भीम क्लीम चामुंडा विजय, ओम भीम भीम क्लीम चामुंडा विजय। ओम भीम भीम चामुंडा विजय। प्रणाम गुरुदेव। जाओ, देवलोक को नष्ट कर दो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। विजयी भव। किस पर विजय पानी है मुझे? देवताओं पर। देवलोक नष्ट करना है तुम्हें। हाँ, जाओ और संपूर्ण देवलोक को नष्ट भ्रष्ट कर दो। जो आज्ञा। ये तुम क्या कर रहे हो वत्स? महाज्ञानी होकर अज्ञान के अंधकार में भटकना तुम जैसे ऋषियों को शोभा नहीं देता। हे भार्गव, तुम्हारे जैसे परम तपस्वी के अंदर ये विनाशक प्रवृत्तियां कहां से आ गईं?
तुम्हें तो अपने तप सामर्थ्य को सृष्टि के कल्याण में खर्च करना चाहिए, परंतु तुम अपने तप सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हो। वत्स, तुम्हें अधर्म के मार्ग पर अग्रसर होता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अपनी माता का कहा मानो और इन विनाशक प्रवृत्तियों का त्याग कर दो। देवी गंगा, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। किसी को धर्म में अधर्म दिखाई देता है तो किसी को अधर्म में धर्म। गंगा, तुम जिसे तप सामर्थ्य का दुरुपयोग कह रही हो ना, वो असल में मेरे तप सामर्थ्य का सदुपयोग है। गंगा, मेरे और कुटिल विष्णु के बीच में मत आओ। मैं उस कुटिल विष्णु और उसका साथ देने वाले देवताओं को अब कभी चैन से नहीं बैठने दूंगा। हाँ, अपनी प्रतिशोध की अग्नि में जलाकर सबको भस्म कर दूंगा। मैं भी तो देवी हूँ, क्या तुम मुझसे भी अपनी शत्रुता निकालोगे? हाँ, मैं तुमसे भी शत्रुता करूंगा। अपनी माता से? शत्रुता में संबंधों का कोई मोल नहीं होता, और फिर तुम तो केवल देवताओं की माता हो। मेरी माता का तो विष्णु ने वध कर दिया। गंगा, विष्णु का नाश ही अब मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। वत्स, मैं फिर कह रही हूँ कि तुम्हारे जैसे महातपस्वी महाज्ञानी को सदा विश्व कल्याण की भाषा बोलनी चाहिए, परंतु मुझे इस बात का खेद है कि तुम विश्व विनाश की भाषा बोल रहे हो। केवल भाषा ही नहीं, देवनाश हेतु मेरी सोच, मेरा कर्म, मेरा तपोबल और मेरी सारी शक्तियां अब असुरों का साथ देंगी। असुर भी तो मेरी संतान है, तुम असुरों का साथ दो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु असुरों का साथ विनाश के लिए नहीं, धर्म के मार्ग, भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए। उनका मार्गदर्शन करो, इससे मुझे परम आनंद प्राप्त होगा। नहीं गंगा, नहीं, अब मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहलने वाला नहीं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या देवताओं को आनंद की अनुभूति हो। मैं असुरों की शक्ति बनकर भक्ति का प्रकाश ही छीन लूंगा। हाँ वत्स, मैं देवी गंगा तुम्हारी माता होने के नाते आखिरी बार समझा रही हूँ कि सृष्टि के कार्य में बाधा डालने का अधर्म ना करो। अधर्म है? मैं तो अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई अधर्म दिखाई नहीं देता। हे असुरराज, हे असुर लोकवासियों, मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें देवताओं के विरुद्ध अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं शुक्राचार्य अपनी परम प्रिय माता की स्मृति की शपथ लेकर तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि आज से मैं और मेरा तप सामर्थ्य असुरों का है और सर्वदा असुरों के ही काम आएगा। हाँ, प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। विजयी भव। गुरुश्रेष्ठ, यदि आप जैसा महातपस्वी असुरों का गुरु बन जाए तो असुरों की विजय ही विजय है। तथास्तु। गुरुपद स्वीकार करते ही शुक्राचार्य ने अपने असुर शिष्यों को आदेश दिया। जाओ असुरराज, तुम्हारा ये गुरु तुम्हें ये आदेश देता है कि देवलोक में त्राहि त्राहि मचा दो, इंद्रलोक को ध्वस्त कर दो, कुबेर के कोष को लूट लो और सृष्टि के निर्माण को रोक दो। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा तपोबल आपकी रक्षा करेगा।
करने में समर्थ हो तो जाओ और अपने देवलोक की सुरक्षा करो। देवाधिदेव असुरों को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या हुआ ब्रह्मदेव? आज देवताओं के मुखमंडल पर चिंता की घटाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? कैलाशपति, अकस्मात असुरों को ऐसी शक्ति प्रदान हो गई है कि उनके आक्रमणों को रोकना देवताओं के वश में नहीं है। किसने प्रदान की उन्हें यह शक्ति? महर्षि भृगु के पुत्र ने। क्या भार्गव असुरों का साथ दे रहे हैं? उन्होंने असुरों का गुरुपद भी स्वीकार कर लिया है महादेव। देवताओं के शत्रुओं का गुरुपद स्वीकार कर लिया, इतना अविवेक? हे त्रिनेत्रधारी, शुक्राचार्य ने असुरों को सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आदेश भी दे दिए हैं। भृगुपुत्र का ये दुस्साहस! भार्गव ने तो अपने तपोबल के आश्रय पर भगवान विष्णु को भी ललकार दिया है प्रभु। इतना अहंकार, क्रोध में वो इतने अंधे हो गए हैं कि प्रभु की लीला भी दिखाई नहीं दे रही उन्हें। ब्रह्मदेव, क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं कि उनकी माता को प्रभु के परमधाम की प्राप्ति हुई है? महादेव, साक्षात महर्षि भृगु ने उन्हें बताया, परंतु भार्गव ने अपने पिता की भी अवज्ञा करके असुरों को अपने तपोबल से उन्होंने अभय बना दिया है। प्रभु, अब आप ही हमारे भार्गव शुक्राचार्य के क्रोध से रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। नंदी, आज्ञा देवाधिदेव। नंदी, भार्गव शुक्र ने देवलोक में उत्पात मचा रखा है, तुम गणों को साथ लेकर जाओ और उन्हें बंदी बनाकर यहां ले आओ। जो आज्ञा देवाधिदेव। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए। Yeah.
यज्ञ को ध्वस्त कर दो। किसने मेरा यज्ञ ध्वस्त किया? किसने? मैंने भार्गव, मैंने। नंदी, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए भार्गव, अंकुश। मेरा यज्ञ ध्वस्त करता है और मुझे ही क्रोध पर अंकुश लगाने को बोलता है। यज्ञ का नाम भलाई से जुड़ा हुआ है भार्गव, और आपने असुर शक्तियों का निर्माण करके आदिदेव शिव शंकर को रुष्ट कर दिया है। अतः उन्होंने मुझे आपको बंदी बनाकर ले जाने का आदेश दिया है, तो आप हमारे साथ चलिए। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता नंदी देव, तुमने मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया है। यज्ञ बल नहीं, मैं भार्गव शुक्र तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तत्काल यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्ही को बंदी बनाकर भोलेनाथ शिव शंकर को भेंट कर दूंगा। आप नहीं चलेंगे तो मुझे विवश होकर। तुम्हारी विवशता मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई नहीं। इन्हें बंदी बना लो। Thank you.
महादेव शिव शंकर की जय हो। महादेव शिव शंकर की जय हो। हे देवाधिदेव, आपने अपने पाणी से अर्थात हाथ से त्रिशूल को धनुष का आकार दिया, इसलिए आपका यह धनुष समस्त लोकों में पिनाक नाम से प्रसिद्ध होगा और आपको सभी पिनाकधारी कहेंगे। दीदी, क्या बात है दीदी, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? उमा, संतान की व्यथा माता को व्यथित कर देती है और उसकी चिंता से माता चिंतित दिखाई देती है। संतान की व्यथा? आप किसकी बात कर रही हैं? भार्गव शुक्राचार्य की। उमा, तुम तो जानती हो भार्गव शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु पद ग्रहण कर लिया है। इससे महादेव बहुत रुष्ट हैं। त्रिनेत्रधारी ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो भार्गव भयभीत होकर उनके त्रिशूल में जा छुपा। जब महादेव की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी हथेली से उठाकर अपने उदर में डाल लिया और तपस्या करने लगे। उसे वहीं रहने दीजिए दीदी, महादेव ने जो किया ठीक ही किया होगा ना? परंतु उमा, महादेव की तपस्या का तेज उससे सहन नहीं हो रहा। देखो उस बेचारी की क्या दशा हो गई है। भोलेनाथ की तेजाग्नि में वो जलकर भस्म हो जाएगा। उमा, मुझसे ये दृश्य सहन नहीं होता। जल रहा है, उसे जलने दीजिए। भार्गव शुक्र के क्रोध और उसकी उदंडता का कुछ तो दंड उसे मिलना चाहिए ना? परंतु उमा, ऐसी कौन सी माता चाहेगी कि उसका बेटा संकट में रहे? क्षमा कीजिए दीदी, आप अपने आप को उसकी माता मानती हैं, परंतु वो तो आपको अपनी माता नहीं मानता ना? उससे क्या मैं अपनी ममता से मुंह मोड़ सकती हूँ? उमा, संतान यदि अपने स्तर से गिर जाए तो क्या माता भी अपने स्तर से गिर जाएगी? माता कुमाता न भवती। अंततः आप मुझसे चाहती क्या है दीदी? उमा, मैं अकेली महादेव की तपस्या को भंग करने का साहस नहीं कर सकती। क्यों ना हम दोनों महादेव से भार्गव शुक्राचार्य की मुक्ति की प्रार्थना करें? जैसी आपकी आज्ञा दीदी, आइए। देव, अपनी तपस्या से जागिए भोलेनाथ, हमें अनुग्रहित कीजिए। महादेव, हमें अनुग्रहित कीजिए। भद्रे उमा, देवी गंगा, क्या बात है? असमय हमें पुकारने का क्या कारण है? मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मैंने आपके ध्यान में बाधा डाली। परंतु भोलेनाथ, मेरी ममता ने मुझे आपकी तपस्या में बाधा डालने पर विवश कर दिया है। आप तो जगत माता हैं देवी, सुर असुर
दोनों आपकी ही संतान हैं, परंतु आप किसके कारण विवश हो गई हैं? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य के कारण दीदी विवश हो गई हैं। हे महादेव, भार्गव शुक्राचार्य इस समय बहुत संकट में हैं। चलने दोष अदंड अहंकारी को, उसने देवताओं के साथ विश्वासघात किया है। सृष्टि सृजन की विरोध करने वाले को धन मिलना आवश्यक है। परंतु महादेव, एक माँ अपने पुत्र को तड़पते हुए नहीं देख सकती। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। जो कृपा का पात्र नहीं, उस पर कृपा करने को कह रही हैं आप? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में भगवान विष्णु ने भार्गव की तपस्विनी माता को परम लोक प्रदान कर दिया, जिससे उन्हें क्रोध आ गया। परंतु क्रोध किसे नहीं आता प्रभु? हे त्रिनेत्रधारी, हे प्रलयकारी, क्रोध की सीमा को आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है प्रभु? इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अपनी संतान के दुख से दुखी एक माँ की पुकार सुनिए और भार्गव शुक्राचार्य को क्षमा कर दीजिए प्रभु, उसे मुक्त कर दीजिए। देवी गंगा, आपकी बात का मान रखने के लिए मैं भार्गव शुक्र को मुक्त करता हूं। करेंगे? मेरा पुत्र? हाँ महादेव, सभी प्राणियों में एक माँ ही ऐसी है जो संतान को अपने पेट में धारण करने की क्षमता रखती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना उमा? हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्रभु, आपने भी तो भार्गव शुक्राचार्य को अपने पेट में धारण किया है ना? हाँ महादेव, अब भार्गव शुक्राचार्य आपका पुत्र बन गया है और आप भार्गव शुक्राचार्य के माता समान पिता बन गए हैं। वो तो उस समय क्रोध में आवश्यक तो नहीं कि क्रोध में नाशी नाश हो, और महादेव के क्रोध में तो सृजन और पालन भी संभव है। देवी गंगा, देवी उमा, अंततः आप दोनों चाहती क्या है? भगवान, आपके क्रोध के कारण भार्गव शुक्राचार्य को जो कष्ट सहने पड़े, उन कष्टों का निवारण यदि मृत्यु से होगा तो आप भोलेनाथ कैसे कहलाएंगे? अपने नाम की सार्थकता के लिए अवश्य ही आपको भार्गव शुक्राचार्य को आशीर्वाद रूपी कोई वर प्रदान करना चाहिए, जिससे ये अपने सारे कष्ट भूल जाए। तथास्तु। वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मृत्यु तुम पर कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकेगी। धन्यवाद भगवान, आपकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे।